हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रहा हूँ मुजफ्फरनगर सुखड़ताल। मुजफ्फरनगर से दूर है सुखड़ताल 15 किलोमीटर, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं आज। ठीक है, और वहाँ मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरे को जरूरी काम है इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। इसलिए मैं रोड पे जा रही बस में बैठ गया। जो मेरा जो चालान कटा है, मतलब जो पर्ची कटी है, वो आपको दिखाता हूँ मैं भी। मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वॉइस वॉइस जो है फ़ोन में नहीं गई, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं बस में बैठा हूँ इस टाइम, मैं जा रहा हूँ मुजफ्फरनगर की तरफ। ये मौसम की बारिश। अंकल जी हेलमेट तो लगा लेते सिर पे। अंकल जी अपनी विक्की को घुमाए जा रहे, घुमाए जा रहे। तो भाई तुम्हारा भाई निकल चुका है मोहनगर से, तो बस में मैं बैठा और बस मेरे को जाते ही मिल गई। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। ठीक है, अभी जाते हैं। यहाँ पर सेब रखे थे, सोचा सेब खा लूँ लेकिन नहीं खा पाया। इस गाड़ी वाले ने लगी न से कर रखे थे भाई, रॉन्ग साइड लेकर आ रहा था गाड़ी अपनी। तो महात्मा गांधी हमको दिख चुके हैं यहाँ पर जी। आंटी जी खड़ी हैं, आंटी को बस नहीं मिली, तो हम फ्लाईओवर के नीचे से निकल रहे हैं पैरी फैरी होते हुए जो भी है। और बस काफ़ी अच्छी चल रही थी। जो बाइक का, जो बस का जो रोडवेज है ना, जो ड्राइवर है, रोडवेज के जो ड्राइवर होते हैं, काफ़ी बेहतरीन बस चलाते हैं भाई। जैसे कहते हैं ना, पूरी स्पीड में 80-90 भगा रही थी भाई बस। और मेरे को लगता नहीं था पहुंच जाएगी, लेकिन भाई साहब ने भगा रही थी तगड़ी करके, जिसे कहते हैं। मज़ा आ गया सफ़र करके रोडवेज में। तो हमने यहाँ पर आधा सफ़र कर लिया था, और जो बस वाला था वो काफ़ी स्पीड में जो है बस चला रहा था। और आगे आप देखना, ऑटो वालों को साइड दे दी, बस ऑटो वाले ने साइड दे दी हमको। और हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा था। जो आगे ऑटो वाला है ना, वो देखना बार बार बच जाएगा बस से, देखते रहना। और साइड में चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो ट्रक है, ट्रक भी अपनी सीधे लाइन में चल रहा है सर, बिल्कुल बढ़िया। नहीं तो ट्रक वाले भी आधे तेरे चला हुए हैं। ये ट्रक वाला जो था बढ़िया था। तो देखो आगे से उसको हॉर्न दिया, बंदा तो नहीं सुन रहा, मतलब साइड दे ही नहीं रहा था। तो इन्हें साइड दिया। अब देखो यहाँ पर कितना बार बार बचेगा ये। ए देखो, ए ए ए, 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 ए देखो बस ने कैसे कट मारा एकदम। देखा भाई, ऐसे भाई सेफ होकर चलाया करो गाड़ी वाड़ी जो भी है, क्योंकि किसी और पर भरोसा मत करो, सीधा अपने आप सेफ चलो, क्योंकि आदमी जो मरता है अपनी गलती से मरता है। सो बात के एक बात भाई, सब मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगा था इस वाले हाईवे पे। तो सामने एक ट्रक फुल स्पीड में, जो आपको दिख रहा है ना दूर ट्रक, वो नीला सा, तो ये बंदा स्पीड में आ रहा था, हम भी स्पीड में थे, वो भी स्पीड में था। और यहाँ देखना जैसे दोनों को भाई ऐसा लग रहा है जैसे क्रैश हो जाएंगे एकदम से, ठुक जाएंगे। तो ऐसे ऐसा हाईवे बना रखा था, सारे गड़े हुए थे पूरे। अगर बढ़ जाता नहीं कहा तो बस ख़त्म हो जाती कहानी। देखो भाई आगे चलते हैं, बस पहुँचने वाले हैं हम। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हाईवे पे रुक चुके हैं, बस हमारे पीछे खड़ी है। तो यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे अपने मंजिल की तरफ। ठीक है, तो अभी वेट कर रहे थे यहाँ, भाई बस खड़ी कर रही है यहाँ पर। वही हाईवे देखो कैसे चल रहा है बेहतरीन करके। आवाज़ मेरी कम जा रही होगी, देख लेना जैसे भी है। आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कितना बेहतरीन है। ठीक, ये है हाईवे, बहुत बेहतरीन हाईवे है। वो खड़ी हमारी बस, ये खड़ी बस हमारी। अब चलेंगे यहाँ से, कुछ देखता हूँ, कुछ खा पीने के लिए ले लूँ। कुछ खाया नहीं है बहुत देर से, और सिगरेट पी रहा है। तो दारू भाई को कुछ खिलाया करो भाई। देखो जैसे मैं बस खड़े हैं, मैंने इसको बिस्कुट खिला दिया। ड्राइवर है बस ड्राइवर, फ्लाईओवर के साइड में उतार दिया यार। कुछ बात है, फ्लाईओवर के साइड में उतार दिया। देखो यहाँ पीछे जंगल है, यहाँ कोई लूट लगा मुझे, फोन वोन अकेला छोड़ दिया। बताओ ये बस वाले रोडवेज वाले ऐसे होते हैं, फ्लाई ओवर के आगे से उतार देते, कहीं भी उतार देते यार। ये जाने का बच्चे ले, टिकट पूरा लेंगे ये, 100 रुपये लेना भूल गए मैं उनसे। यहाँ उतारा बताओ फ्लाई ओवर पे, यहाँ इस कट पे उतारा है। और देखो कहाँ जा रहा हूँ, पैदल जाना पड़ेगा मेरे को आगे। क्या भाई यार, बाइक लेनी पड़ेगी, बाइक लेके आऊंगा अगली बार जब भी आऊंगा। ओ भाई, ओ जंगल है, ओ कौन बैठा है, घूमी डंडा करो। आम का बाग, यहाँ बहुत डंडे पड़े हैं आम तोड़ने के चक्कर में, देख रहा नहीं है आम का बाग पूरा। और वहां से चलता हुआ आ रहा हूँ मैं, देखो पानी भरा पड़ा है पूरा। यहाँ जंगल साहब वाप सब आ जाते हैं, मतलब जंगल से आया मतलब शेर वगैरह आ जाता कभी कभी, और बंदर बहुत मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, डीएन ड्राइवर बना दिया फ्लाईओवर के, वहां छोड़ना थे इन्हें, यहाँ छोड़ दिया फ्लाईओवर पार करवा के।
कुछ बात है, देखो कितना सुनसान रास्ता। हम आ रहे हैं गाड़ी लेके, तो उनके साथ जाऊंगा मैं यहाँ से। ले लिया, कभी भी बस में सफर नहीं करूंगा, या तो बाइक लेके आऊंगा या तो मेरे भाई के साथ आऊंगा बाइक पे, वैसे पेट्रोल मैं गिरवा दूंगा। मैं व्लॉग बना रहा था, सामने खड़े थे, मैं कब आ जाए मामू कहाँ से आवाज मार रहे हैं। चलो ठीक है, आ गया। बड़ी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, एक ओडी में बहुत चढ़ी है, बहुत हाथ गई हो, ये बहुत चढ़ी थी, तो अगर आप थे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है, सीधा घर जा रहे हैं लेके। तो भाई मामा गाड़ी लेके फ्लाईओवर के नीचे खड़े थे, वो मेरे को आवाज़ मार रहे थे, मेरे को आवाज़ नहीं आई, वो मैं व्लॉग बनाने में व्यस्त था, फिर आके पकड़ा मामा को, मैंने तो छोड़ के भाग गए थे। तो तुम्हारा भाई जो है यहाँ का कैमरा एंगल निकालते हुए, वीडियो बनाते हुए, यहाँ का वातावरण देखते हुए, रोड की वीडियो बनाते हुए, मामा आगे गाड़ी चला रहे थे, तो तुम्हारे भाई ने कैमरा घुमाया अपने मुँह की तरफ और मैंने हल्के से शॉट लिए अपने मुँह के, मतलब ज़्यादा अच्छा तो वो नहीं है मेरा, लेकिन मैं ले लिया जब भी। और यहाँ देखो कितना अच्छा वातावरण है, यहाँ कभी भी जंगल आ जाते हो। यहाँ पर मैं मामा से सेब मंगवाए, तो मामा ने यहाँ पर सेब खरीदे, तो सेब खरीदने के बाद हम चल पड़े शुक्र तार, मात्र 5 किलोमीटर दूर रह गया था और हम साथ में चलते रहे, यानी 5 किलोमीटर हमें जाना था अभी, क्योंकि 2 मिनट लगते गाड़ी से, 2 मिनट नहीं 5-10 मिनट लगते बस, मात्र 10 मिनट में हम शुक्र तार पहुँच जाते। वहाँ पहुँच करके मैं आपको वहाँ का जो व्यू है वो आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पर, वहाँ पर गंगा जी भी है, पीछे पहाड़ भी है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आ जाता है, जन्नत जैसे जन्नत होती है ना, मतलब फील काफ़ी अच्छी आती है वहाँ पर रहने में। वही मंदिर है राम राम जी। तो आगे चलते हैं यार, अभी ट्रैक्टर पर बंदे थे, मैं सोच रहा था इन बंदों से कहूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाए, तो सबका ध्यान नहीं था मेरे पे, तो मैं चल पड़ा कैमरा लेके फ़ोन कैमरा कुछ भी बोलता हूँ यार, इग्नोर करना। और यहाँ पर ताऊ जा रहे डंडा लेके, क्योंकि यहाँ बंदर हो जा रहे हैं, हमने सुपर ताल में एंट्री ले ली, तो ये मेन सुपर ताल है, यहाँ पर आपको ढाल मिलेगा, मतलब यहाँ से गाड़ी आप बंद भी कर दोगे ना अपने आप चली जाएगी गाड़ी। यहाँ में हम गाड़ी मोड़ेंगे, तो बंदे दिखे यहाँ पर नीली टोपी वाले, तो चलते हैं सीधा, जानना पहचान, मैंने ज़्यादा किसी से कुछ बोला नहीं, अब सीधा आपको वहाँ मिलता हूँ। कहाँ पर? घर पर। तो घर पे आ चुके हैं, तो ये रहा मेरा भाई।